रेशम की पैदावार बढ़ाएंगे, हर घर खुशहाली लाएंगे, उज्जवल रेशम ऊंचा दाम, बड़े किसानों का सम्मान। इस समय हम सितारगंज ब्लॉक जो कि उधमसिंह नगर जनपद में है उसके बगल सड़ा गांव में है और हमारे साथ किसान जुड़े हैं कुंवर सिंह जी। हम इस समय ये रेशम कीट पालन बसंत फसल का समय चल रहा है और आपके कीट पालन ग्रह के भीतर है जहां आप पीछे हमारे देख रहे हैं कि आयरन रैक लगा हुआ है, उसमें ट्रे है और उसमें कीट पालन चल रहा है। कीट पालन के दौरान जो ट्रे है उसमें कीड़ा व्रत में गया हुआ है, तीसरे मोल्ड में है और यहाँ पर जब हम आए हैं देखने, आपको तकनीकी कोई समस्या है तो वो सब जांचने के लिए और बताने के लिए, तो उसी समय एक ऐसा चीज हमने यहाँ पर पकड़ी जो किसानों के, हमारे अन्य किसानों के भी बहुत काम आएगी, एक ऐसी जानकारी वाली चीज। अभी मेरे साथ तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में रोमिल जी भी जुड़े हुए हैं। मैं रोमिल जी से आग्रह करूंगा कि रोमिल जी आप प्लीज उस बात पर प्रकाश डालें। देखिए सर, जैसा कि हमने कई बार किसानों को ये बताया है कि बाहर से जब भी पत्ती तोड़ के लाएंगे तो सीधे नहीं खिलाएंगे, उनको कमरे में एक सुरक्षित रूप से गीले टाट के बोरे में या सूती पतले कपड़े में, नम कपड़े में संभाल के रखेंगे, जिससे कि वो काफी समय तक सुरक्षित रहता है और फिर उस पत्ती को 2-3 घंटे बाद हम कीड़े के भोजन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन शायद किसानों को कभी कभी इस बात को समझने में थोड़ी सी समस्या होती है और वो करते तो प्रयास है लेकिन वो सही तरीका नहीं होता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा कुंवर सिंह जी के यहाँ, इन्होंने यहाँ पर पत्ती ला के उन्होंने सुरक्षित रखी है, लेकिन उन्होंने क्या करा है कि ये बिल्कुल गीला टाट का कपड़ा यहाँ देखेंगे और इसको आप देखेंगे अगर हम हाथ से दबा रहे हैं तो ये पानी भी नीचे को टपकेगा यहाँ से। ये पत्ती को इन्होंने जब जो स्टोर किया है अपने वहां, तो आप देख रहे हैं कि रोमिल जी ने जो टाट पकड़ा हुआ है, जबकि बात होती है कि केवल नहीं ये देख रहे हैं आप, पानी देख रहे हैं इसमें से निकलता हुआ। तो इसको ऐसा नहीं करना है कि पानी से बिल्कुल तर बतर कर दे रहे हैं, हमने बताया है कि जब भी इस तरह के कपड़े को पत्ती में ढके तो उसको गीला करने के बाद अच्छी तरह से निचोड़ लें, जिससे कि ये पानी सारा बाहर निकल जाए और नम सिर्फ कपड़ा या टाट का बोरा ही इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ देखेंगे इस ट्रे में भी देखेंगे, इस गीले कपड़े के कारण ये पत्ती आपकी किस तरह से गीली हो गई है, यहाँ पर देखेंगे ये अखबार भी गीला हो गया है और ये पत्ती भी बिल्कुल गीली हो गई है, तो ये स्थिति उपयुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये बिल्कुल नमी नहीं, बिल्कुल गीली पत्ती तो कतई नहीं खिलानी है जैसे कि हमने बताया है, और इस तरह से सुरक्षित रखने का तरीका भी सही नहीं है। इससे क्या हुआ कि सारी पत्ती गीली हो गई है, जब भी किसान भाई अब इस पत्ती का उपयोग कीड़े के लिए करेंगे तो वो सही तरीका नहीं होगा और उसमें कीड़े की में आगे चल के इसी तरह की पत्तियों के उपयोग से बीमारी आने की संभावना हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, जो भी कपड़ा या टाट का कपड़ा या सूती कपड़ा ले रहे हैं उसको बिल्कुल निचोड़ के, यानी कि बिल्कुल पानी निकाल लेना है और उसमें उसको लपेट के रखना है। यहाँ पर जो ये टाट या बोरा इन्होंने रखा है, आप दो शब्द सुनते हैं, गीला और नम। गीला और नम, इन दोनों में अंतर है। इन्होंने इसे गीला किया हुआ था जबकि हमने नम करना है, नमी वाला। आप समझ रहे हैं कि नमी, नमी का मतलब उसमें थोड़ा सा नमी होगी, मतलब आप जब उसमें हाथ लगाएंगे तो आपको नमी का एहसास होगा, लेकिन जब आप निचोड़ने लगेंगे तो एक बूंद भी पानी उसमें से नहीं निकलेगा। और ये इन्होंने गीला करके रख दिया था, मतलब जब रोमिल जी ने इसको निचोड़ा तो उसमें से पानी की धार बह रही थी, तो इस प्रकार से इसको रखना हमारे लिए रोमिल जी जो है नुकसानदेह होगा और ऐसी पत्ती फिर हमारा कीट खाएगा तो वो भी उसके लिए नुकसान होगा, उसको बीमारियों का कारण बनेगा, फिर उसका उत्पादन भी जो है। और एक चीज और होगी, अगर इस तरह से पत्ती गीली होगी तो जब, क्योंकि तापमान अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और उस तापमान के कारण ये पत्ती जो इतनी गीली हो चुकी है और ऊपर से ढकी हुई है वो झुलस जाएगी, वो बिल्कुल काली पड़ जाएगी और वो खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं होगी, तो वो तरीके से भी नुकसान हो रहा है और गीली पत्ती भी हो रही है जो कि कीड़े के भोजन के रूप में उपयुक्त नहीं है। तो ये बहुत जरूरी बात है, ये छोटी सी बात है, हो सकता है दूसरे किसान भाई भी इस तरह की चीजें कर रहे हो, तो ऐसा कतई नहीं करना है, बिल्कुल निचोड़ करके नम कपड़ा होना चाहिए, उसी का उपयोग पत्ती को सुरक्षित रखने में करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ हमारे सारे रेशम के किसान इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और अपने कीट पालन के दौरान इसको फॉलो करेंगे और रेशम के उत्पादन को ऊंचाइयों पर ले जा करके अच्छी आमदनी कमाएंगे। हमारा यही लक्ष्य है कि हमारे किसान बहुत अच्छा उत्पादन करें और अपनी आजीविका को ऊंचे स्तर पर लेकर के जाए। रेशम की पैदावार बढ़ाएंगे, हर घर खुशहाली लाएंगे, उज्जवल रेशम ऊंचा दाम, बड़े किसानों का सम्मान।